और लोकेश शर्मा से जुड़ा फोन ट्रैपिंग प्रकरण है, दिल्ली हाईकोर्ट में राजस्थान सरकार ने पेश किया है हलफनामा, जिसके बाद लोकेश शर्मा की बढ़ सकती है मुश्किलें, क्योंकि सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने हलफनामा पेश किया, जिसमें लोकेश शर्मा की तरफ से दायर याचिका को रद्द करने की मांग की गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा ही जांच का समर्थन, जांच में राजस्थान सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग के आश्वासन के साथ यह हलफनामा पेश हुआ है। पूर्ववर्ती सरकार मामले में दिल्ली पुलिस की जांच का विरोध करती आई है, वहीं अब राजस्थान सरकार द्वारा दिल्ली पुलिस की जांच का समर्थन किया जा रहा है। पूरे प्रकरण की अगर बात की जाए तो पूरे प्रकरण में अब 14 नवंबर को सुनवाई होने वाली है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले पर? और कहना चाहूंगा कि यह है प्रकरण पूर्ववर्ती गहलोत सरकार से जुड़ा हुआ है, तब गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री रहे उस समय के अशोक गहलोत का काफी टकराव भी हुआ था। यह मैटर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था, जहां सुप्रीम कोर्ट में गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर याचिका को वापस ले लिया गया है। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में मैटर से संबंधित एक एफिडेविट नया फाइल किया गया है, जिसमें सरकार ने कहा है कि हम इस मैटर में दिल्ली पुलिस की द्वारा जो जांच है उसका समर्थन करते हैं। उसमें अब राजस्थान सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, राजस्थान पुलिस हस्तक्षेप नहीं करेगी। पहले इस मैटर में ये था कि विरोध ये था कि जो मैटर था उस मैटर में दिल्ली पुलिस जांच कर रही थी और पूर्ववर्ती जो सरकार थी गहलोत सरकार वो जांच का विरोध करती आई थी और वो चाहती थी कि इस मैटर की जांच जो है क्षेत्राधिकार के अनुसार राजस्थान में ही हो। अब सरकार का रुख बदला है और सरकार ने जांच में समर्थन का आश्वासन देते हुए किसी भी तरीके से दिल्ली पुलिस की जांच को डिस्टर्ब नहीं करने का उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया है और पूर्ण सहयोग की भी बात कही। तो अब यहाँ पर नए सिरे से जांच होगी, नई बातें सामने आएंगी, जो तथ्य अभी तक पेश नहीं हो पाए वो भी अब तथ्य पेश होंगे और वह सब डिस्कशन होंगे। तो निश्चित रूप से अब इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा और जो भी चीजें सामने निकल कर आएंगी वो कहीं ना कहीं लोकेश शर्मा और उनसे जुड़े अन्य लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। जी आयुषी, बिल्कुल गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, जिस तरह से पूरा मामला निकल के सामने आ रहा है, एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा दिल्ली पुलिस की जांच का अब समर्थन किया जा रहा है। ऐसे में नजरें बनी रहेगी कि 14 नवंबर को जब अगली सुनवाई होगी तो क्या कुछ उसमें निकल के सामने आता है।